हम पढ़ेंगे आज पेरेटाइन टॉन्सिल। पेरेटाइन टॉन्सिल से पहले हम पढ़ते हैं वॉल्ड एयर्स रिंग। वॉल्ड एयर्स रिंग क्या होती है? देखो तो अपने पास है ना टॉन्सिल, वो प्रेजेंट रहते हैं लिम्फोडल टिश्यूज, ठीक है, एट अपर एंड ऑफ गट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जितने भी टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं ना, टॉन्सिल कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एक तो ट्यूब रहती है स्टेशन ट्यूब, उसके उधर उससे बोलेंगे ट्यूबल टॉन्सिल। टंग के इधर, टंग में प्रेजेंट रहते हैं लिंगल टॉन्सिल। पैलेट के उधर पैलेटाइन टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल, ठीक है। तो इस तरह से टॉन्सिल हो गए। अब ये टॉन्सिल है ना, एक रिंग बना लेते हैं, उस रिंग से बोलते हैं वेल लेयर्स रिंग्स, ठीक है। आगे की साइड होगा लिंगल टॉन्सिल, पीछे हम देखेंगे फेरेंजियल वॉल आएगी तो फेरेंजियल टॉन्सिल, आस पास ट्यूब आती है तो ट्यूबल टॉन्सिल, और फिर होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। तो ऐसे हमें ये रिंग बनाना है, ठीक है। इसके बाद है हमें स्पेसिफिकली बनेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल क्या होता है? पैलेटाइन टॉन्सिल ना दो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, एलमंड शेप होते हैं, ट्रायंगुलर फोसा में प्रेजेंट होते हैं, लेटरल वॉल ऑफ ओरो फेरिंग्स। अपने पास फेरिंग्स होता है नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लेरिंजियो फेरिंग्स। तो जो ओरो फेरिंग्स है ना, उसकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं ये, लेटरल वॉल ऑफ ओरो फेरिंग्स में, और ट्रायंगुलर फोसा में प्रेजेंट होते हैं। ट्रायंगुलर फोसा कैसे बनता है? ये बन रहा है, देखो ये गड्ढा बन रहा है ट्रायंगुलर फोसा। इसमें एक तो ये एंटीरियर, वही ये पोस्टीरियर आर्च हो गए। एंटीरियर आर्च जो बनाती है, वो बनाती है पैलेटोग्लोसल मसल की आर्च, और पीछे वाली जो आर्च है वो बनती है भाई पैलेटोफेरिंजियल मसल की आर्च से, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसमें डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखो, टंग बना लो, ये पीछे वाला पार्ट है टंग का। फिर अपन ने दो आर्च बना दी, दो आर्च के बीच में घंटा हुआ है, घंटे से बोले टॉन्सिलर फोसा। इस टॉन्सिलर फोसा में बन गया पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। फिर ये पैलेटाइन टॉन्सिल की वेन एज ड्रेनेज लेने आएगी, पैरा टॉन्सिलर वेन, ठीक है। फिर ये पीछे अपन बॉल बना दी, लेटरल वॉल। फिर इसके बाद अपन को मिलेगा एक फेसिया, फेरेंजो फेसिलर फेसिया। फेरेंजो फेसियल फेसिया के बाद अपन को मिलेगी फेरिंग्स की मसल, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। मसल कौन सी मिलती है? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के पीछे फिर अपन को मिलेगा एक फेसिया, वक्को फेरेंजियल फेसिया, और फिर मिलेगी फेसियल आर्टरी। फेसियल आर्टरी इधर आ रही है सब मैंडुलर ग्लैंड के पास, ठीक है। बस अपन को ऐसा ही डायग्राम बनाना है, और इधर अपन को बनाना है मैसेटर मसल, और पीछे की साइड, आगे की साइड होगी मीडियल टेरिकॉइड, और ये बोन होगी मैंडिबल का रेमस, ठीक है। ये जो अपनी दाढ़ है ना, दाढ़ का मतलब दाढ़ नहीं, मतलब ये जॉ, जॉ में जो ऊपर वाला है रेमस ऑफ मैंडिबल, सबसे बाहर से चलते हैं रेमस ऑफ मैंडिबल मिला, इसके बाहर मिलती है मैसेटर मसल, इसके अंदर मिलती है मीडियल टेरिकॉइड मसल। फिर उसके और अंदर आ जाएंगे तो फेसियल आर्टरी देखने लगेगी। फिर उसके बाद अपन को मिलेगा फेसिया, फेसिया के बाद और अंदर जाएंगे तो मिलेगी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के बाद मिलेगा फेरिंग फेरिंजोवेसिलर फेसिया। फिर अपन को ये पेराटाइन ये टॉन्सिलर फोसा मिलेगा, जो जो आगे बना रहा है, बन रहा है पेराटोग्लोसल आर्च, पीछे बन रहा है पेराटोफेरिंजियल आर्च। ग्लोसल आगे टांग है ना, तो पहले तो ग्लोसल आर्च पहले आएगा, पहले तो फेरेंजियल आर्च बाद में आएगा। और इसकी एक वेन बनाना है पैराटॉन्सिलर वेन। ऐसा डायग्राम 209 पेज नंबर बजराम सिंह पे दिया है, वो बना लेना। अपन को पढ़ना है पैरोटिड बेड, जिस किस बेड पे ये ये बेड है ना पैलेटाइन बेड, किस बेड पे ये है? तो फेरेंजियोवेसिलर फेसिया आ रहा है, पीछे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल आ रहा है, पक्को फेरेंजियल फेसिया आ रहा है। इतना लिख देंगे तो अपना बेड हो जाएगा। बेड के बाद अपन पढ़ेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ टॉन्सिल में टॉन्सिल बनाना है, फिर अपन को बनाना है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये C4 के लेवल पे बाइफरकेट हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ऊपर ब्रांच आती है असेंडियल असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये भी एक टॉन्सिलर ब्रांच दे देती है, ठीक है। फिर ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कंटिन्यूस हो रही है और दे रही है ब्रांच लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी भी टॉन्सिल को ब्रांच देती है। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड और ऊपर जाएगी, उसमें से निकलेगी फेसियल आर्टरी, फेसियल आर्टरी भी टॉन्सिल को ब्रांच देगी, और फिर ये एक्सटर्नल कैरोटिड ऊपर जाएगी, फिर देगी मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी देती है डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी,
वो फर्दर टॉन्सिल को आर्टेरियल सप्लाई देगी। ठीक है, अब इसके और पॉइंट है वो मैं तो आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो अपन को एक जो जुगलर वेन होती है, जुगलर वेन में ऊपर अपन को ओम डाइगेस्टिक मसल बना रहती है, नीचे ओम आयोन। डाइगेस्टिक के नीचे बनाते हैं अपन जुगलो डाइगेस्टिक नोड, ओम आयोन के ऊपर बनाते हैं अपन जुगलो ओम आयोन नोड, और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं डीप सर्वाइकल नोड्स। तो मेनली जो लिम्फ ड्रेनेज है टॉन्सिल का, पेल्टर टॉन्सिल का, वो जुगलो डाइगेस्टिक नोड ले जाता है। क्लिनिकल अपन पढ़ लेंगे अभी, फिर अपन देखते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम बना देना ऊपर, और ये जब क्योंकि फेरिंग्स है तो ये कैसी होगी, नॉन केरेटिनाइज। फिर अंदर अपन को बनाना है म्यूकस एसाइने, ठीक है, और जीवाले इम्पोर्टेंट है सब एंडोथीलियल लिम्फोइडल टिश्यू नोड्स। तो बस अपन ने क्या किया, पैलेट को काट के देखा तो उसमें अपन को स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केरेटिनाइज एपिथीलियम मिली, फिर अपन को मिल गए सब एंडोथीलियल लिम्फ नोड्स, और इधर मिले म्यूकस एसाइने। ठीक है, अब एक और टंग का डायग्राम बनाएंगे अपन। इसकी एंटीरियर टू थर्ड को सप्लाई करता है टेस्ट सेंसेशन जो ले जाता है क्वार्टर टेम्पेनाइन नर्व ऑफ टेम्पेनाइन ब्रांच ऑफ फेसियल नर्व, और जनरल सेंसरी फाइबर्स हैं वो सेंसेशन है वो कैरी करेगी लिंगुअल नर्व। पोस्टीरियर वन थर्ड से ले जाती है दोनों टेस्ट सेंसेशन और वो नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग से ले जाती है इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो ब्रांच है बेगस नर्व की। ठीक है, तो अगर टॉन्सिल में कोई दिक्कत हुई तो नाइन्थ नर्व अफेक्ट हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन और सेंसेशंस दोनों नहीं जाएंगे। ठीक है,